मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पहले दिन में कैबिनेट की बैठक में लाउड स्पीकर और खुले में मास्क बिक्री को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। इस पर बात करने के लिए कांग्रेस विधायक आतिफ अकील जी हैं। आतिफ जी, कैसे देखते हैं मोहन यादव जी के पहले दिन शपथ ग्रहण की और पहले दिन कैबिनेट की बैठक में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को लेकर तय मानक पर आवाज़ की बात कही गई है, खुले में मास्क बिक्री को लेकर भी कड़ी आपत्ति जताई है, कार्रवाई करने की बात की गई है। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जी, मुझे उम्मीद थी विकास की बात करेंगे, नौजवानों के रोज़गार की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात करी। उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो तो फॉलो होनी चाहिए, और धार्मिक स्थलों पर, मेरा ये अपना व्यू है, धार्मिक स्थलों पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और जो मास्क की जो दुकानें हैं, आपने देखा होगा शहर के अंदर घूमकर बहुत सारी जगह पर कवर होकर बिक रही है, और अगर उन्होंने वही बात रिपीट करी है तो बहुत अच्छी बात है। और ये नहीं हो इसकी आड़ में अधिकारी वर्ग लोग अवैध वसूली करने लगे और गरीबों को और परेशान करें, ऐसा तो नहीं लग रहा? एक वर्ग को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को लेकर, वो उनकी सोच होगी। आपको लगता है ऐसी सोच उनकी एक वर्ग को लेकर हो सकती है? आपको क्या लगता है, आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? लेकिन सरकार ने तो सभी धार्मिक स्थल लिख कर दिए। बिल्कुल, मैंने बोला ना सभी धार्मिक स्थलों पर कोई पाबंदी नहीं लगना चाहिए। तो ये आतिफ वकील हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। सरकार के फैसले पर उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों पर किसी तरह से आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी पालन होना चाहिए। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।